कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। महाशिवरात्रि पर ग्वालियर अंचल के प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव के मंदिर पर दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा मंदिर प्रबंधन के साथ तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि अचलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण जीवाजी राव सिंधिया ने कराया था, जिसके बाद हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने यहाँ आते हैं। शिवरात्रि के मौके पर यहाँ 100 से ज्यादा ठंडाई और प्रसादी के स्टॉल लगेंगे। वहीं मंदिर प्रबंधक की ओर से भी प्रसादी की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि पार्किंग स्टॉल और फूलमालाओं की दुकानों के चलते वाहनों को मंदिर से आधा किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा, लेकिन भारी भीड़ के कारण भारी पुलिस बल की व्यवस्था भी जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। व्यवस्था का भी परीक्षण चल रहा है और सभी पुलिस प्रशासन के और मंदिर के जो प्रबंधन मंडल के वो हैं, जो ट्रस्टी के जो है पुराने, उनको उनके साथ में विचार विमर्श करके उनका सहयोग ले रहे हैं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। और महाशिवरात्रि का जो पर्व है 1 तारीख का, उसको पिछले गत वर्ष से भी और बेहतर व्यवस्थाएँ हों, इसके लिए हम लोग जो है प्रयासशील हैं, जिससे कि जो दर्शनार्थी जो श्रद्धालु आएंगे उनको बिल्कुल असुविधा नहीं हो, उनको यह प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1 तारीख को यहाँ पर शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के पहले यहाँ पर भीड़ की व्यवस्था, आमजनों के दर्शनों में कि असुविधा किसी तरीके से ना हो और सुगम यातायात बना रहे, इस को लेकर प्रशासन और पुलिस यहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने आई है और ये मंदिर कमेटी के साथ मिलकर जो अच्छी व्यवस्था बन सकती है उसकी प्लानिंग की जाए।